नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। द स्पीड अनब्लॉक्स एक कदम सफलता की ओर। आज हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट है। कल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज फिर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये हमारी 20-20 क्वेश्चन की सीरीज जो है 3 दिन चलेगी, 2 दिन आज दूसरा दिन है, कल और चलेगी। 60 क्वेश्चन के बाद हम लोग का अगला टॉपिक जो रहेगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूँ काफी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, वन वुड सी हर लिंग ऑन द फ्लावर बेड। वन वुड सी, कोई भी देख सकता है, हर माने उसे, लेंग माने लेटे हुए, ऑन द फ्लावर बेड, फूलों के बिस्तर पर। तो इसका जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट हर है, हर को जब हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सी। फिर वुड, तो मैंने बताया था कि मॉडल यानी कि बिल, साइल, वुड, सुड, इसका सबका जो है इसमें केवल बी लगा देते हैं। तो सी कुड बी इन ऑन द फ्लावर बेड्स। आगे देखिए, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, इसका जब पैसे बनाएंगे तो ये हमारा गुड न्यूज जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो गुड न्यूज। फिर एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब आशा की जाती है, तो एक्सपेक्ट का जब हम ये हमारा जब इसको पैसे में बनाएंगे तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई वी का क्या हो जाएगा। फिर माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, तो यानी कि मी, तो मी क्या हो जाएगा आई। उसके बाद गेव, तो आई वर गिवेन, ठीक, मुझे दिया गया है, क्या दिया गया, ए जर्नल बाय माई टीचर टू। फिर जब इसका बदलेंगे तो देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो क्या हो जाएगा दिस। अब चूंकि देखिए टू डू लिखा हुआ है, टू डू का मतलब क्या हो गया, हमारा ये इन्फिनिटिव का सेंटेंस बन रहा है। तो जब इन्फिनिटिव का सेंटेंस बन रहा है तो इन्फिनिटिव वाले में हमने बताया था कि अगर इन्फिनिटिव रहे तो जो हमारा टू रहता है वो टू बी में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन दिस, ठीक, ये चीज है। फिर आगे क्या होगा, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो द पार्सल हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो द पार्सल। फिर अब कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो द पार्सल कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, तो चूंकि ये हमारा किसमें है, इंट्रोगेटिव में, तो जो कैन लिखा जाएगा वो कैन आगे लिखा जाएगा, तो कैन द पार्सल बी सेंट, ठीक, बाय अस टुमारो, ये चीज है। आगे देखिए, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अब द क्रिकेट मैच हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब यहां पे वर का प्रयोग किया गया है, तो वर का प्रयोग किया गया है, तो वर का क्या हो जाएगा हमारा, वाज बीइंग वर बीइंग, तो द क्रिकेट मैच, तो इसलिए वाज बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड में क्या है, वेयर है, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन वर्ड को सेम टू सेम उतार देते हैं, तो वेयर, उसके बाद द क्रिकेट मैच, इसके साथ क्या लगेगा, वाज बीइंग लगेगा, तो वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीन। फिर वर्ब टू थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय देन, ठीक। किसी को कोई समस्या हो तो पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। जैसे प्लीज इंटर बाय द लिफ्ट डोर, तो प्लीज लिखा गया है, प्लीज का मतलब कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, you are
requested to enter by the left door. फिर आगे देखिए ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो अब इसमें जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो लेट द डोर बी ओपन, ठीक, ये हमारा इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। आगे आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी वन, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी वन। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा हमारा, इसका पैसिव हो जाएगा नो बॉडी। अब डिड है तो वाज या वर, तो नो बॉडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, नो बॉडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, ये चीज है इसका पैसिव वॉइस। तो रूल देखने के लिए आप पुराना वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। जैसे मस्ट बी कट दिस ट्री, अब मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट चूंकि मॉडल है हमारी और मॉडल में केवल बी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा मस्ट, ठीक। फिर दिस ट्री बी और कट 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 बाई वी का, फिर दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट, हैमलेट जो है किसी पोएट मतलब कविता का है, तो क्या हो जाएगा ये हैमलेट। अब आर लिखा है यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसमें क्या हो जाएगा इज बीइंग आर बीइंग आई एम बीइंग, तो हैमलेट इज बीइंग, फिर गॉन टू परफॉर्म By ठीक। आगे देखिए शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, तो हमारा द हाउस वाज लिखा हुआ है, तो वाज का मतलब कि या तो वाज बीइंग होगा या तो वर्ब बीइंग होगा, द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा, ठीक। फिर आगे देखिए आई बॉट ए न्यू शर्ट लास्ट वीक, अब क्या हो जाएगा ए न्यू शर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ए न्यू शर्ट। अब पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर, तो ए न्यू शर्ट वाज बॉट बाय आई का क्या हो जाएगा मी, और लास्ट वीक है इसको लिख लीजिए। फिर देखिए द चिल्ड्रेन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज, तो क्या हो जाएगा द प्लेस हमारा सब्जेक्ट बनेगा द प्लेस, फिर कुड लिखा है तो कुड बी हो जाएगा इसका, क्योंकि मॉडल है तो कुड बी होता, लेकिन ऑलवेज लिखा है तो इसलिए कुड के बाद ऑलवेज, कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाई किसके द्वारा द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, ठीक। ये चीज है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम इसको अच्छे से समझाएंगे, जो न समझ में आए उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं फिर से बता दूंगा। जैसे डॉग ऑलवेज चेज कैट्स, कुत्ते हमेशा बिल्लियों की पीछा करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा तो कैट्स, कैट्स अब चूंकि ऑलवेज है इज आर एन लगेगा, तो कैट्स आर ऑलवेज, जो हमारा ऑलवेज होता है नेवर होता है ये सब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल आता है, तो कैट्स आर ऑलवेज चेज्ड बाय डॉग्स, ठीक। ये चीज है, जैसे सी हैज बेक्ड सेवरल केक फॉर हिज फ्रेंड, मतलब उसने अपने मित्रों के लिए बहुत सारे प्रकार के केक बनाए, तो क्या हो जाएगा हमारा सेवरल केक्स, सेवरल केक्स। अब हैज है ये तो हैज बीन, हैव बीन, तो केक्स लिखा है इसलिए हैव बीन, बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स, ठीक। ये चीज फिर आगे द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो द बेगर
लाफ्ड यानी कि वाज यहां पर, तो द बिगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय। और चूंकि आयत लिखा हुआ है इसलिए आयत लास्ट में जोड़ दिया जाएगा कि बच्चों के द्वारा जो है भिखारी पर, ठीक। तो लाफ्ड ये आयत यहां पे होगा, लाफ्ड आयत बाय द बॉय मतलब भिखारी पर बच्चे हंसे। वी हैव वार्न्ड यू, तो यू और हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, यू हैव बीन वार्न्ड बाय, ठीक। फिर पेंट द विंडोज, विंडो को पेंट करो, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वाला है, तो लेट द विंडोज बी पेंट, ठीक। ये चीज फिर आगे देखिए, द कर्ट स्मेल्ट सावर, ये है एडजेक्टिव वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव का, तो इसमें मैंने बताया था सबसे पहले जो दिया रहे उसको पूरा लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा द कर्ट, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसका मैं ऊपर कर दे रहा हूं, तो द कर्ट। अब स्मेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वाज या वर्ब, द कर्ट वाज सावर व्हेन इट वाज, फिर स्मेल, ठीक। ये चीज है हमारा आज 20 क्वेश्चन का था, इसमें जो न समझ में आया हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम उसको सही से समझा देंगे, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।